इस वीडियो में हम आपको बताएंगे Amazon गिफ्ट कार्ड आप कैसे रिडीम कर सकते हैं और इसका इस्तेमाल आप किस किस के लिए कर सकते हैं, राइट। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखते रहिए। हम आपको बताना चाहेंगे Amazon गिफ्ट कार्ड का इस्तेमाल आप Amazon एप्लीकेशन पर आप कर सकते हैं। जी हाँ, Amazon एप्लीकेशन पर आप शॉपिंग करने के लिए या फिर रिचार्ज करने के लिए, जी हाँ, चाहे मोबाइल का या डिश टीवी किसी का भी रिचार्ज करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर जरूर करना और हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब तो कर लो। तो लेट्स गेट स्टार्टेड दिस वीडियो। आप सबसे पहले अपना Amazon एप्लीकेशन को आपको ओपन करना है एंड यहाँ पर आपको अपना यूजर नेम यानी मोबाइल नंबर एंड पासवर्ड डालकर इसे साइन इन कर लेना है, ओके। जैसे ही आप अब ये सब स्टेप फॉलो कर लेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पर ऊपर लेफ्ट साइड में 3 डॉट का आइकन दिख जाएगा, आपको इस पर क्लिक करना होगा। जैसे आप 3 डॉट के आइकन पर क्लिक करते हो, कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको योर अकाउंट इसका ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको यहाँ पर योर अकाउंट पर क्लिक कर देना है, राइट। जैसे आप क्लिक करोगे, कुछ नया विंडो ओपन होने जा रहा है, राइट। यहाँ पर आपको थोड़ा ऊपर की तरफ इसे करना है, ठीक है। जैसे ऊपर की तरफ करोगे, यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलेगा आपको। यहाँ पर देखिए आपको देखिए और ऊपर करना है। देखिए ऐड गिफ्ट कार्ड टू योर बैलेंस, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हो तो एक नया विंडो ओपन होने जा रहा है। यहाँ पर आपको देखिए ऐड अ गिफ्ट कार्ड, यहाँ पर आपको जो भी आपको गिफ्ट कार्ड मिला है उसको आप सेम टू सेम यहाँ पर लिख दीजिए, ठीक है। तो चलिए मुझे गिफ्ट कार्ड मिला था, मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। एंड यहाँ पर देखिए ऐड टू योर बैलेंस, इस पर जैसे मैं क्लिक करूँगा यहाँ पर बैलेंस अपडेट हो जाएगा। देखिए योर गिफ्ट कार्ड अमाउंट हैज बीन एडेड टू योर Amazon पे बैलेंस। अब इसका इस्तेमाल हम शॉपिंग करने के लिए या फिर मोबाइल रिचार्ज या डिश रिचार्ज या कोई भी ऐसा कर सकते हैं इसका इस्तेमाल, राइट। फ्रेंड्स, हमें उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। आपके स्क्रीन पर 2 वीडियो और शो हो रही हैं जो कि काफ़ी हेल्पफुल हैं, इन वीडियोस को भी जरूर देखना।